नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है उत्तर पूर्व दिशा जब कटता हो या फिर बढ़ता हो, दोनों स्थितियों में क्या शुभ और क्या अशुभ उत्पन्न होती है। जिसे बोले तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ एवं ईस्ट का कॉर्नर, जिसे ईशान कोण या जल तत्व या उत्तर पूर्व कॉर्नर या इस प्रकार की चीजों से लोग वास्तु में इसे निरूपित करते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ईशान कोण कटा हुआ, ये कटता किस प्रकार से। तो इस प्रकार की स्थिति आपके यदि प्लॉट में उत्पन्न हो तो ऐसे स्थिति में कहेंगे कि आपका ईशान कोण कटा है। लेकिन इसमें स्थिति थोड़ी सी डिफरेंस भी होती है। ये किस प्रकार से होती है, हो सकता है कि आपका जो ईशान कोण कट रहा है वो इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में भी हम कहेंगे ये ईशान कोण कट रहा है, ये ईशान कोण कट रहा है। इसकी दूसरी स्थिति भी हमने कई स्थिति, तीन चार स्थितियां हो सकती है। जैसा कि मान लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ईशान कोण यहां ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका प्लॉट है या भूमि है, इस परिस्थिति में भी हम मानेंगे ईशान कोण कटा हुआ है। तो ईशान कोण कटने के क्या क्या शुभ एवं अशुभ परिणाम होते हैं, हम इसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जान लें कि दिशाएं कहती क्या है। ये है, ये ईशान कोण है, इसे मैं लिख देता हूं। चलिए मैं इसे नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश में लिख दिया। ये ईशान कोण है। इस कोण का प्रतिनिधित्व कौन करता है, गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना जाता है। आपके ज्ञान का कारक माना जाता है गुरु बृहस्पति। इसमें नॉर्थ दिशा, चूंकि आपका यहां जब कटेगा तो इस स्थिति में आपकी नॉर्थ भी घटती है और पूर्व भी घटती है, दोनों चीजें होती है। जब ये कटती है तो आपकी नॉर्थ और ईस्ट दोनों कटती है, तो माना जाता है कि ये जैसे इसमें दोनों कट रही है, उत्तर भी कट रही है, पूर्व भी कट रही है। पूर्व का कटना अर्थात ज्ञान की, यहाँ नॉलेज की कमी, ज्ञान की कमी, विद्या की कमी उत्पन्न होगा। सीधी सब शब्दों में बताते हैं, उत्तर का कटना, उत्तर कुबेर का स्थान है, तो कुबेर का स्थान कटना अर्थात यहाँ पर धन संबंधी समस्या। तो ये चीजें दो तो प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे जगह में रहने वाले को, एक तो आपको आर्थिक, धन का अर्थ होता है आर्थिक, आर्थिक समस्या, और दूसरा है एक ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी, विद्या की समस्या, इस प्रकार की चीजें, यहाँ दो चीजें आपको देखने को प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ईशान कोण कटे हुए भवन में लोगों को रहने से बचना चाहिए। परिस्थिति बहुत तरह की है, लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं आते हैं, कुछ उपाय भी है, उपाय इसके लास्ट में बताएंगे। अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, कभी कभी हमने देखा है कि ईशान कोण बढ़ा हुआ है, ईशान कोण बढ़ता भी, ये बढ़ता कैसे है ये देख लीजिए। अब एक चीज है कि एक बार तो बात थोड़ी सी एक अजीब सी हो गई कि एक भाई साहब का ईशान कोण कटा हुआ था, वो हमें कह रहे थे मुझे तो गौमुखी प्लान मिला, मिल गया है फ्लैट, गुरु जी बहुत ही शुभ है, उनका इस प्रकार का प्लॉट था। अब वो भाई इतने प्रसन्न है कि गुरु जी गौमुखी मिला है रहने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, आपने बताया था ये अति शुभ है। मैंने कहा भाई गौमुखी किस प्रकार का, उन्होंने बताया देखिए मुझे इस प्रकार का प्लॉट मिला, ये पूर्व है उत्तर है और ये कटा हुआ है, देख लीजिए बिल्कुल गौमुखी है, सामने से सकरा है, पीछे से चौड़ा है, अर्थात ये गौमुखी है, ये तो रहने के लिए सर्वोत्तम है। जब हमने उनके प्लॉट को देखा तो कहा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये गौमुखी प्लॉट है? आपको कंफ्यूजन को ये चीज दूर करने, ये जो गौमुखी नामक चीज है, लोग इसमें बहुत सारे जो है लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। गौमुखी प्लॉट अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, बिल्कुल शुभ होता है, लेकिन इसकी एक कुछ शर्तें हैं। यदि इसमें कुछ विशिष्ट कोण, कोई विशेष कोण कटता हो और कोई विशेष कोण बढ़ता हो, तो यदि यहाँ इस प्रकार से ईशान कोण कटता है या नॉर्थ ईस्ट कटता है तो ऐसा प्लॉट को हम गौमुखी नहीं कहेंगे, ये गौमुखी प्लॉट नहीं है, ये आपके लिए शुभ स्थिति नहीं होगा। लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक चीज है तो स्पष्ट होगी। अब आइए गौमुखी प्लॉट होता क्या, मैं थोड़ा सा बात को क्लियर कर दूं जब इस पर शुरुआत की हूँ। गौमुखी प्लॉट किस प्रकार से बनता है, देखिए वास्तु कहता है कि आपके कोई भी दिशा, ये दिशा हो, ये दिशा हो, ये दिशा हो, कोई भी दिशा हो, एक दिशाओं में एक्सटेंशन सबसे अच्छा माना जाता है। वो कहाँ, वो एक्सटेंशन यदि इस प्रकार से हो, किस प्रकार से वो एक्सटेंशन, मान लीजिए आपका प्लॉट इस प्रकार से है,
ये देखिए ये एक्सटेंशन, इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन कहां हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो रहा है। अब हम देखें तो इसमें अग्नि कोण कट रहा है, क्योंकि किसी भी दिशा में एक्सटेंशन होगी तो कोई ना कोई दिशा कटेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं अग्नि कोण कटा हुआ है आपका अशुभ है, अजीब स्थिति है भाई, कुछ भी बोलने से पहले सोचना विचारना चाहिए। अग्नि कोण कटा है ये अशुभ स्थिति है, सबसे पहले तो जान लें कि यदि आपका प्लॉट बिल्कुल स्क्वायर शेप में है ये सर्वोत्तम स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन आपको यदि इस प्रकार का प्लॉट मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है, ये बढ़ा हुआ है, और कहीं ये बढ़ा है तो या तो अग्नि कोण कटेगा या फिर वायु कोण कटेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वायु कोण कटेगा तो ही ये प्लॉट बढ़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कोण कटता है, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी कट गया है और ये भी कट गया है। ये तीन स्थिति होती है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की। तो ये तीनों स्थिति में सबसे अधिक शुभ स्थिति की बात करें तो अग्नि कोण आपका कटता हो और ये एक्सटेंशन हो, ये स्थिति शुभ मानी जाती है। ज्ञान के जानकार जिनको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, ये जिस भी क्षेत्र में वो वर्क करें उनके लिए ये प्लॉट सबसे अच्छा माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण, ये एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है तो जब हम स्ट्रेट लाइन इसे खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सटेंशन ये हो रहा है पूर्व दिशा में, ये एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है, ये पूर्व की दिशा में एक्सटेंशन हो रहा है, अर्थात यहाँ ज्ञान आपका बढ़ रहा है, यहाँ नॉलेज का क्षेत्र आपको एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तृत क्षेत्र मिलेगा आपको ज्ञान और नॉलेज हासिल करने प्राप्त करने के लिए, यहाँ इस क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक होगा। अब लोग कहते हैं कि धन के लिए भी अच्छा, तो धन के लिए भी अच्छा है, तो इसके लिए क्या है कि आपका जो नॉर्थ, चलिए मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ तो ये क्लियर होगा। धन के लिए कब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है यदि यहां से आपका ये आपका प्लॉट है और यहाँ इस प्रकार से बढ़ता है इस प्रकार से, तो इस स्थिति में क्या है कि अब उत्तर दिशा में ये जो नॉर्थ ईस्ट बढ़ रही है ये कहाँ बढ़ रही है, उत्तर दिशा में बढ़ रही है, तो ये धन के लिए एक तरह से अच्छा माना जा सकता है और अच्छा होता भी है। लेकिन वायु कोण कटना कट रहा है, तो वायु कोण यदि ना कटे किसी प्लॉट में तो सबसे अच्छी है। मैं बार बार कहूँगा कि इस प्रकार का शेप हो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा प्लॉट सर्वोत्तम होता है। ध्यान दें, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो यह प्लॉट क्या होता है, सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन जब किसी भी प्लॉट का कोई एक एंगल बढ़ जाता है तो यहाँ ये 90 से कम हो जाता है और ये 90 से अधिक हो जाता है, ये 90 प्लस हो जाएगा और ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो कहीं कोई एक प्लॉट कोना बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा दूसरा डिग्री घटेगा। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आपको सभी कॉर्नर यदि मिल जाते हैं 90 डिग्री तो अच्छा है, यदि ये कॉर्नर बढ़ा हुआ मिल जाए तो भी शुभ है, तो भी शुभ है। ये दोनों स्थितियां हो सकती, हो सकता है कि ये इस प्रकार से बढ़ रहा हो इस प्रकार से, मतलब दोनों स्थितियां, ये अग्नि कोण से भी बढ़ रही हो और इस कोण से, तो नॉर्थ इस प्रकार से ही बढ़ता है। और कभी कभी जो ये बढ़ता है, मैं थोड़ा से इसे क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी हमने जो देखा है ये जो एक्सटेंशन होता है कि लोगों के ये प्लॉट थे, ये मान लिया जाए आपके ये प्लॉट, ये आपकी भूमि है, ये भूमि, ये इस प्रकार से भी बढ़ता है, इस प्रकार से भी देखता हूँ इस प्रकार से बढ़ा हुआ है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना है, ये एक्सटेंशन इस प्रकार से भी हो सकता है कि आपका ये इस प्रकार से हो, ये भी नॉर्थ ईस्ट का बढ़ा हुआ माना जाएगा, ये भी स्थिति अच्छी है, शुभ है। तो ज्ञान और धन के लिए नॉर्थ ईस्ट, ध्यान दें कि नॉलेज, आपको नॉलेज चाहिए और मनी चाहिए, तीन दोनों के लिए नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन आपको घर यदि मिलता है या फिर भूमि मिलता है तो ये आपके लिए शुभ होगा, ये चीजों को ध्यान दें। अब हम एक चीजें और क्लियर कर दें, बात कर रहे थे हम कुछ विशिष्ट प्रकार के प्लॉट, जैसे लोग कंफ्यूजन में करते हैं कि गौमुखी है या फलाना है, तो एक बात आप जान लें कि इस प्रकार का प्लॉट यदि यहाँ घट रहा हो तो इसे हम गौमुखी प्लॉट नहीं करेंगे, यदि ये पूर्व दिशा में घट रहा, पूर्व दिशा में घटना या उत्तर दिशा में इस कॉर्नर पर कटना ये शुभ स्थिति नहीं है, ऐसे प्लॉट को हम गौमुखी प्लॉट नहीं कहेंगे। गौमुखी
मौखिक प्लॉट हम किसे कहेंगे, इस चीजों को भी क्लियर कर ले, कब बनेगा। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि ऑलवेज हर परिस्थिति में सबसे अधिक सूर्य दिखे, मान लीजिए ये बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंशन कर दूँ, ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक तरह से ये अब जो बढ़ रहा है ये प्लॉट, ये नॉर्थ की तरफ अधिक चौड़ा है, ये साउथ की तरफ कम है। ये गौमुखी मुख हो सकता है कब, जब इसका मुख दक्षिण की ओर, जब ये दक्षिण की ओर हो तो ये गौमुखी हो सकता है। अन्य परिस्थितियां इसमें क्या उत्पन्न होती है कि मान लिया जाए आपकी उत्तर दिशा बढ़ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है उत्तर दिशा बढ़ रही हो, इस प्रकार से आपका ये प्लॉट हो और ये उत्तर दिशा बढ़ रही है, तो अब ये हो गया पश्चिम मुखी घर के लिए, ये पश्चिम मुखी घर के लिए ये गौमुखी का सेप है, पश्चिम मुखी घर है तो ये सेप क्या है, गौमुखी का है, क्योंकि इसमें बढ़ क्या रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो ये स्थिति जो है शुभ होगी, ये स्थिति शुभ होगी, गौमुखी प्लॉट बोलेंगे पश्चिम मुखी है तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, त्रुटियां होती है थोड़े थोड़े, यदि आप हमारे प्रत्येक अंक को धीरे धीरे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आज का हमारा अंक था नॉर्थ ईस्ट, तो हमें लगता है कुछ चीजें जैसे हमने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट कटने से तीन चीजों का नुकसान होगा, तो एक तो सबसे पहले है ज्ञान, आपकी विद्या, ये प्रमुख है ज्ञान विद्या, या फिर कहे तो आपकी सोचने समझने की थाउट शक्ति, दूसरा है आपका धन अर्थ, ये प्रमुख चीज है, ये दो चीजें हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट को कटने से यहाँ नुकसान हो सकता है और नॉर्थ ईस्ट के बढ़ने से आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो आज के अंक में इतना ही, हमें लगता है बहुत चीजें स्पष्ट हुई होगी। खास करके मैं एक चीज बहुत कहूंगा कि जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमने देखा है जो फ्लैट्स के आकार होते हैं बड़ी अजीब टाइप के होते हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, वो किस प्रकार से बने कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप जब फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ पर कई लोगों के फ्लैट होते हैं, कई लोगों के, हो सकता है कि आपने ये लिया है, हो सकता है आपको द्वार यहाँ मिल गया हो, ये आपको द्वार मिल गया है, ये आपका द्वार मिल गया है, ये फ्लैट से ये डिजाइन देखिए, ये कॉर्नर कट रहा है या फिर ये कट रहा है, हो सकता है कि इसमें ये कॉर्नर एक्सटेंशन आता हो, ये रूम बना हुआ हो तो एक्सटेंशन हो रहा, कई तरह की होती है, ये परिस्थितियाँ फ्लैट्स में उत्पन्न होती है, इसे हम चाह के भी नहीं बता, हम कुछ रेमेडीज हैं थोड़ी, मैं उसकी चर्चा विस्तृत करूँगा बात के अंत में, लेकिन एक बात मैं कहूँगा यदि आपको कोई प्लॉट लेना हो तो आप ऑलवेज देखें कि प्लॉट का प्रत्येक कोना, जैसे ये भी 90 डिग्री है, 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 तो किसी भी मुख का हो, दक्षिण मुखी घर हो, पूर्व मुखी घर हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो, ये यदि साइमेट्रिक है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, इसमें वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है, बस वास्तु के अनुसार हम सही तरीके से इसका निर्माण करें। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।